नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने दो आतंकियों को बुधवार सुबह मार गिराया। ये मुठभेड़ राजपुरा इलाके में हुई थी और अब मुठभेड़ खत्म हो गई है। मारे गए आतंकियों में से एक जैश ए मोहम्मद का कमांडर है, जबकि दूसरा विदेशी आतंकी है। कश्मीर के आईजी ने बताया कि जैश ए मोहम्मद के टॉप कमांडर यासिर को मार गिराया गया है। यह आईडी एक्सपर्ट था। इसके साथ ही एक विदेशी आतंकी फुरकान को भी मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। दोनों ही कई गंभीर आतंकी घटनाओं को अंजाम दे चुके थे। बीती रात ही पुलवामा के राजपुरा में कस्बायर गांव को रात में घेरे में लेकर सुबह जब तलाशी अभियान शुरू किया गया तो एक घर में छिपे आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में दो आतंकियों को ढेर किया गया। यूपी टीईटी 2021 पेपर लीक केस में बुधवार को बड़ी कार्रवाई की गई। परीक्षा नियामक प्राधिकारी के सचिव संजय उपाध्याय को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये इस पूरे मामले में हुई अब तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी मानी जा रही है। सचिव संजय उपाध्याय को मंगलवार को ही सस्पेंड कर बेसिक शिक्षा निदेशक कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया था। इससे पहले जिस प्रिंटिंग प्रेस में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 के प्रश्न पत्र छापे गए थे, वहां के मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में ग्रेटर नोएडा के थाना सूरजपुर में एसटीएफ की तरफ से कई प्रिंटिंग प्रेस के मालिकों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज पौड़ी दौरा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 12 बजे हेलीकॉप्टर से पौड़ी पहुंचेंगे, जहां मुख्यमंत्री के साथ पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज सहित सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत और स्थानीय विधायक मुकेश कोहली भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी की बाइक रैली में शामिल होंगे और रामलीला मैदान से जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही 100 करोड़ की योजना का लोकार्पण शिलान्यास का भी कार्यक्रम है। इसके साथ ही महिला स्व सहायता समूहों को चेक भी वितरित करेंगे। दौरा है पौड़ी विधानसभा का, और चूंकि वो पहली बार विधिवत रूप से मंडल मुख्यालय और कमिश्नरी हेडक्वार्टर पौड़ी में आएंगे, क्योंकि इससे पहले जो आए थे वो उसमें आपदा के कारण वो आए थे और आपदा की बैठक लेने के कारण वो तुरंत अनन फनन में आए थे। तो विधिवत रूप से वो 1 तारीख को जो उनका संभावित दौरा है उसमें आने वाले हैं। इसमें हमारी लगभग 60 से 70 करोड़ की बहुत सी विभिन्न योजनाएँ हैं, उनका शिलान्यास करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आएंगे। और संभवतः जो हम लोगों ने कहा है तो इस जिले के लगभग 6 के 6 विधायकों को हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोनिया कल एक दिवसीय दौरे पर लालकुआ आएंगे। इस दौरान प्रदेश प्रभारी की अगुवाई में विशाल रोड शो भी होगा, जिसके बाद घोड़ानाल स्थित खेल मैदान में एक जनसभा आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रदेश प्रभारी दिनेश मोनिया पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे और आने वाले चुनावी रणनीति को लेकर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दे सकते हैं। प्रदेश प्रभारी महोदय हमारे 2 तारीख को यहाँ पर आ रहे हैं और उनका यहाँ पर रोड शो होगा और उसके बाद जनसभाएँ होंगी, और जनसभा में वो पार्टी के विजन को और उसके जो भी अभी तक जो घोषणाएं की गई हैं, जो गारंटी वो की गई, उसके बारे में विस्तृत रूप में जनता को समझाएंगे। ये नगर पालिका के सामने से लेकर जुलूस निकलेगा और नीचे घोड़ा नाला तक जाएगा और वहाँ पर जनसभा होगी। घोड़ा नाला क्या कोई और घोषणा कर सकते हैं, ऐसी कोई उम्मीद है? नहीं, आप देखिए वो जब आएंगे तभी पता लगाया जा सकता है कि क्या घोषणा करते हैं या क्या करते हैं, लेकिन ये निश्चित है कि पार्टी के विजन को वो विस्तृत रूप में जो है जनता के सामने रखेंगे और जनता को अवगत कराएंगे। और वर्तमान में जो तीर्थ यात्रा वाले जो उनके घोषणा की गई माननीय संयोजक महोदय द्वारा, उसके बारे में भी विस्तृत रूप से लोगों को बताएंगे। 2022 के चुनावों को फतह करने को लेकर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी इन दिनों जगह जगह जनसभाएं कर रही है। कर्णप्रयाग के मुख्य बाजार में आम आदमी पार्टी की जनसभा में कर्नल अजय सिंह कोठियाल के न पहुंचने पर आप कार्यकर्ताओं में मायूसी देखने को मिली। जिस कर्नल कोठियाल के भरोसे आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में 2022 के फतेह का सपना देख रही है, अगर वो ही जनसभाओं से नदारद रहे तो आखिर कैसे आम आदमी पार्टी अपनी नैया पार लगाएगी, ये बड़ा सवाल है। बाईस की चर्चा के लिए ही अरविंद केजरीवाल जी और कर्नल साहब की एक महत्वपूर्ण बैठक थी, जिसकी वजह से उन्हें तत्काल यहां से बुलाया गया और हम लोग आने वाले समय में बहुत जल्दी कर्नल साहब को यहां पे ले आएंगे और 2022 को लेके हम पूरी तरीके से तैयार हैं और आम आदमी पार्टी पूरे दम के साथ 70 विधानसभाओं पर चुनाव लड़ेंगे। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।